जब आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है ना। न्यू पे क्लिक करके तो ही न्यू फॉर्मेट ओपन होगा, मतलब न्यू टेम्पलेट ओपन होगा। आप यहाँ से भी दो टेम्पलेट यहाँ से भी ले सकते हैं, और उसके बाद भी हम चेंज कर सकते हैं। टेम्पलेट दो टाइप के होते हैं, एक तो एक डॉट वाला होता है और एक होता है एक एट आईएसओ। इन दोनों डिफरेंट होता है कि यूनिट का और दूसरा डिफरेंट नहीं है, बाकी बराबर। तो न्यू पे अभी क्लिक कर रहा हूं मैं। बेसिकली माने तो कुछ इस तरीके का आपका स्टार्टिंग यूजर इंटरफेस यही होता है मेनली, है ना। देखिए सबसे ऊपर वाला को तो हम वैसे बोलते हैं टाइटल बार, इधर आप ऑप्शन के उनका हम स्टेटस बार बोलते हैं। वैसे तो और भी होता है पता नहीं है, नॉर्मली स्टेटस बार क्विक तो एक्सेस टूल बार। हाँ जो भी है वो यहाँ से हम ओपन करना होता है फाइल को, न्यू लेना होता है और सेव करना, सेव एज करना, ठीक है, प्रिंट वगैरह निकालना का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। ये ऑटो कैड एक आपको सिंबल दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करते हुआ तो जो ऑप्शन आपको यहाँ बाहर दिख रहे थे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है। इसके बाद ये जो होम टैब से लगा करके एक्सप्रेस टूल तक जो ये पूरी टैब है ना, इसको पूरे को बोलते हैं रिबन। रिबन बोला जाता है, हम सारी की यहीं से लेते हैं, मतलब ले सकते हैं अगर याद नहीं होते तो। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू कंट्रोल, इस पे क्लिक करते हो तो आपको स्टार्टिंग के जो सिक्स व्यू होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू। 2D मतलब टू डायमेंशनल, 2D व्यू को बोलते हैं टू डायमेंशनल व्यू, है ना। जैसे ये सिक्स व्यू है, ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है, 3D का मतलब थ्री डायमेंशनल हो जाता है, एक्स वाई जेड तीनों में चलती है वो, जो आइसोमेट्रिक व्यू या परस्पेक्टिव व्यू बोलते हो, ठीक है। तो व्यू कंट्रोल हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके पास में आता है विजुअल स्टाइल कंट्रोल, VS कंट्रोल बोलते हैं ना। ये जो व्यू हम यहाँ से इंटरचेंज करते हैं, जो भी व्यू हम यहाँ इससे भी कर सकते हैं, इसको व्यू व्यू बोलते हैं जैसा, इस वाले को, इस ऑप्शन को, ये जो दिख रहा है ना ये वाला, इसको बोलते हैं नेविगेशन बार, इसको नेविगेशन व्हील बोलते हैं। ये पेन टूल का यूज करता है, ये जूम एक्सटेंड, 3D ऑर्बिट, ऑर्थो एंड मोशन, जो आपको एनिमेशन के तौर पे काम करे तो 3D के अंदर चलता है, ठीक है। इधर जो आपको ये आइकन दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दोनों ऑप्शन बोल सकते। सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है हमारी ये कमांड लाइन होती है, इस कमांड लाइन के थ्रू हम सारा वर्क करते हैं, ठीक है। इस कमांड लाइन पर आपको डॉटेड दो लाइंस दिख रही, इसको हम इसको बड़ी कर सकते हैं कमांड लाइन। और कमांड लाइन के भी दो पार्ट है, करंट कमांड लाइन और हिस्ट्री कमांड लाइन। कोई भी की दोगे तो वो यहाँ पे कंटिन्यू करंट कमांड लाइन यहाँ चलेगी, और अभी जो पहले आपने यूज करी है वो हिस्ट्री यहाँ दिखाता जाएगा ऑटोमेटिकली। हम इस हिस्ट्री को बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस देखो कि इस डॉटेड लाइन के नीचे क्रॉस ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये कमांड लाइन हमारी गायब हो जाती है, हट गई यार। वैसे अभी तो मैंने हटाई है, तो अभी आप वर्क करते हो ऑटोमेटिक हट जाती है, तो उसको लाने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+9, वापस आ जाएगी, ठीक है। और वैसे हटती इसी से ही है, सेम चीज है। और कभी कभी इस Ctrl+9 से भी नहीं आती है तो आपको F2 दबाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ऑटोकैड हिस्ट्री, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन मिलेगा। अब मेनली क्या होता है कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, CLI टैप करना पड़ेगा, तब ये कमांड लाइन की एक की आ जाएगी आपकी, फिर एंटर कर दो वापस, कमांड लाइन नीचे दिख जाएगी। इसको मैं हटा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि इस रिबन को बंद कर दो, तो इसके लिए रिबन क्लोज टैप करना पड़ेगा। अभी देखो मैं कर्सर मेरा यहाँ पर है और मेरी एक की होती है यहाँ से, इसको बोलते हैं डायनेमिक इनपुट, डायनामिक इनपुट,
मेरा कर्सर कहीं पर भी होगा, जस्ट इसके पास में कमांड शो करेगी, अगर ये ऑन होगा तब। ठीक है, तो अभी मैंने लिख रहा हूं रिबन क्लोज, रिबन क्लोज लिखा आपकी कमांड, रिबन ऊपर से हाइड हो गया, मैं गया। वापस लाना चाहते हो तो ओनली ऑन रिबन लिखना पड़ेगा, सिर्फ रिबन लिखो एंड वापस आ जाओ। हटाने के लिए रिबन, क्लोज लाने के लिए रिबन, ये ऑप्शन लो। वैसे अभी हमको नहीं चाहिए तो रिबन क्लोज ही रखेंगे। इसके बाद रिबन जब हम स्टार्टिंग करते हैं, रिबन के पास एक मेन्यू बार भी होता है, जब हम सेटिंग करते हैं बाद में चेंज है ना, स्टार्टिंग में नहीं मिल पाता है, उसको लाने के लिए मेन्यू बार टेप करना पड़ेगा। मेन्यू बार की होती है ये, की लगा करके आपको एंटर कर दोगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर आपकी जीरो वैल्यू होती है तो आप स्क्रीन पे वो मेन्यू बार नहीं दिखेगा, हाइड हो जाएगा। और अगर आप वन प्रेस करके एंटर कर देते हो तो फिर वापस वापस आपकी एक टैब आ जाएगी जिसमें आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ड्रो में जाओगे तो कमांड्स मिल जाएगी, डायमेंशन में जाओ डायमेंशन की कमांड मिल जाएगी, मॉडिफाई में मॉडिफाई की जो भी कमांड आती है वो सारी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये तो वर्क स्पेस है, इस पे ग्राफ दिख रहा है ग्रिड लाइन, इसको ऑन और ऑफ करने के लिए यहां पर भी एक इस पे भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो की होती है F7, F7 दबाओगे तो ये बंद हो जाती है और F7 से वापस ऑन होती है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ से आपको कौन कौन से टूल अभी स्टार्टिंग में ऑन रखने हैं, तो वो आपको यहाँ पे जाएंगे इस थ्री लाइन पर क्लिक करें, वो इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन। अब यहाँ से मैं दो जो जो टिक रख रहा हूँ वो रखने, बाकी वाले हटा देने। सिर्फ इतने ऑप्शन अभी यूज करने हैं, बाकी अभी नहीं चाहिए, आगे हम जब जरूरत पड़ेगी तब उनको वापस ऑन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिखा सकते हैं नीचे, सबसे पहले ग्रिड लाइन का आता है, तो ग्रिड लाइन के लिए F7 की होती है। उसके बाद ये होता है डायनेमिक इनपुट, ये जो ऑन और ऑफ होगा F12 से होगा, F12 दबाओगे तो ऑन होता है, F12 से ऑफ होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना जो भी की लिखते हैं इसके जस्ट पास शो करती है ये, इसका मतलब। इसके बाद ऑर्थो मोड होता है, जो हम अगर लाइन कमांड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तब उसका डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद स्नैपिंग रेफरेंस लाइन आती है, वो भी ऑन रहनी चाहिए, वो अपना आप स्नैप आपको ट्रैक करती रहती है, एंगल बताती रहती है, तो उसको बोलते हैं। ये ऑन ऑफ ऐसे करते हैं तो F11 से होता है। इसके आगे वाले को बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप, ये अभी हमको पॉइंट चाहिएगा कभी, उसके लिए की होती है F3 होता है ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो दो ऑप्शंस मिलते हैं, इसको बोलते हैं मॉडल स्टेटस, इसको बोलते हैं लेआउट स्टेटस। लेआउट के तीन फॉर्मेट है अभी, मतलब और बढ़ा भी सकता हूँ, प्लस पर क्लिक करूंगा तो और बढ़ जाएंगे। अभी वैसे बेसिकली दो ही आते हैं, ये ओपन कर रखा है, इसको राइट क्लिक इसके ऊपर करते हो तो डिलीट कर सकते हो, और इस पर प्लस करेंगे तो बढ़ा भी सकते। ये जो आपको दो लाइनें दिख रही हैं ग्रीन वाली और रेड वाली, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट लाइन, एक्स और वाई में चलती है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा फिर वाई कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, और इस वाले ऑप्शन को बोलते हैं, ये जो चारों लाइनें दिख रही है ना इनको तो बोलते हैं कर्सर, इसके सेंटर वाले को बोलते हैं फिट बॉक्स। कर्सर का तो यूज होता है कि अगर आपको एक रैंडम अनुमानित है कोई लाइन स्ट्रेटली यूज करनी है, मतलब रैंडम हमें कोई बनाया ऑब्जेक्ट उसको कोई ऊपर वाला पॉइंट से अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन लेनी है तो उसको स्नैप उसको कर्सर से लेंगे, और पिक बॉक्स होता है सिलेक्शन के लिए, किसी को सेलेक्ट करना होता है तो पिक बॉक्स का यूज होता है। इन दोनों की भी साइज हम रिसाइज कर सकते हैं, उसके लिए आपको कर्सर साइज के लिए तो आपको कर्सर साइज लिखना पड़ेगा, लिखोगे एंटर कर दोगे, इसकी वैल्यू चलती है परसेंटेज के रिगार्डिंग। जैसे कि मान लो परसेंटेज तो पता ही होता है 100% मैक्सिमम होगी नहीं, जीरो होता ही नहीं है परसेंटेज।
अगर आपको फुल स्क्रीन पर कर्सर चाहिए तो आप 100 कर दो, तो स्क्रीन पर बड़ी हो जाएगी लाइन। नॉर्मली डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 5 आती है, और आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैं बेसिकली 25 पे वर्क करता हूँ, कोई 50 पे करे, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने में कंफर्टेबल लग रहा है। इसके सेंटर वाले की भी डिफॉल्ट वैल्यू आती है 8 से 10 के बीच में आती है, डिफॉल्ट 8 ही आती है वैसे। इसकी कमांड है पिक बॉक्स, डिफॉल्ट वैल्यू 8 ही आएगी। बाद में हम बढ़ा सकते हैं, कम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू 50 है, तो इतना मैक्सिमम वैल्यू लगा देता हूँ, तो इतना बड़ा आपको पिक बॉक्स दिखेगा, ठीक है। और बेसिकली इतना बड़ा नहीं चाहिए हमको, नॉर्मल 8 वैल्यू वही पे काम कर लेंगे, ठीक है। ग्रेड की वैल्यू क्या होती है? ग्रिड की वैल्यू आगे चेंज कर सकते हैं, वैसे ये डीए सेटिंग में आती है, वैसे आप में ग्रिड की वैल्यू यहाँ से चेंज होती है, स्पेसिंग आता दोनों एक्स और वाई का, आगे चलता ये है। 0.5 0.5 क्या इंच? अभी इंच है, अभी इंच में चलिए, इंच है, एमएम होगी तो एमएम आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, अभी इंच है। अब यूनिट हमको पता है कि हमारी यूनिट, अभी हमने कौन सा टेम्पलेट दे रखा था, 1.8 बार, 1.8 में टेम्पलेट में यूनिट चलती है इंच, 1.8 ISM चलती है आपकी एमएम। अब आपको पता है कि अभी मैंने चेंज किया, मेरे को पता है इंच है। अब बार कभी आप लैपटॉप रखती है, यहाँ पे सिस्टम प्रैक्टिस करते हो, किसी इसने ISO खोल रखी है और आप सोच रहे हो इंच में चल रहा है, तो आपको सबसे पहला वर्क होता है यूनिट देखना, यूनिट क्या चल रही है। यूएन टैप करोगे आप, यूएन टैप करके देखोगे स्केल क्या चल रही है आपकी। अगर आप यहाँ पर एमएम है तो मिलीमीटर में वर्क चल रहा है, और आपको इंच लाना है, आपको पता नहीं यूनिट कैसे हम सेट करते हैं स्टार्टिंग में, तो फिर आप Ctrl+N करो न्यू फाइल के लिए या न्यू टेम्पलेट के लिए। अब यहाँ पर टेम्पलेट के टाइप मिलेंगे, ठीक है। ये यहां से लगाकर के यहाँ तक सारे ये चलते हैं 3D तक, इसमें सब में इंच यूनिट है। ISO लगने के बाद समझ लो कि इसमें सब में आपको यूनिट चल रही है, वो चल रही है MM। तो अभी हम यही चला रहे हैं ना, तो यही रखना हमको अगर इसे चेंज करना हो इंच से इसको, मिलीमीटर को मिलीमीटर से, हाँ कर सकते हैं, होता है। तो अभी मेरे पता है इंच है, तो इंच ही रखूंगा मैं। अब लिमिट होती है, लिमिट के लिए LIM, लिमिट की होती है LIM, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट साइड ये होगी हमारा, इसका नीचे वाला कॉर्नर यहाँ काउंट करेगा, इसके ऊपर इससे चलेगा आपको कॉर्नर में, लिमिट ऐसे चलती है। तो इसकी वैल्यू डिफॉल्ट भी आपको 0.0 आती है। अभी मैंने पूरा रिसेट करके ऑन करा तो मेरी सही आ रही है, बार क्या ऐसे मारती बैठे होते हैं तो वो चेंज करते, तो आपको सही करनी है, 0.0 ही रखनी है आपको। अपर राइट कॉर्नर में आपको वैल्यू देनी होती है 12.9, डिफॉल्ट देता है, हम इसको बाद में बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा भी हमको स्टार्टिंग में यही रख, तो ये ग्रीन और रेड का जो हाँ वही कोऑर्डिनेट, हाँ हमेशा एक्स की वैल्यू ज्यादा ही आती है, क्यों स्क्रीन भी हमारी एक्स में लंबी होती है, मतलब बड़ी होती है, ठीक है, वाई में कम होता है, एक रेशियो होता है 12.9। अभी मान लो मैं 120 कर दूं 90 कर दूं, तो 10 फीट ऐसे हो जाएगी और 90 इंच मतलब ऐसे हो जाएगी, तो मतलब कुछ आपको काउंट करना पड़ेगा कितने इंच कितने फीट अकॉर्डिंग होती है। और अगर मान लो कि मैं 120 इंच की जगह 120 फीट भी कर सकता हूँ और 90 फीट ऐसे भी कर सकता हूँ, वो हम लिमिट यूज के अकॉर्डिंग चेंज करता हूँ, अभी यही रखूंगा मैं, चेंज नहीं कर रहा। अब इस लिमिट को स्क्रीन पे अप्लाई करना है तो आपको जूम कमांड का यूज करना पड़ेगा, जिसमें सपोर्ट की है जेड, जेड दबा के एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन ही यूज करना भी, बाद में सेंटर डायनामिक एक्सटेंड प्रीवियस स्केल विंडो सब काम आएगी। अभी स्टार्टिंग में कुछ ऑब्जेक्ट बना हुआ ही नहीं आपके पास, बना हो तो भी उसके अकॉर्डिंग हम उसको कुछ भी कर सकते हैं, अभी नहीं है तो ऑल स्क्रीन करेंगे, ए प्रेस कर दो और एंटर कर दो, ये हो जाएगा। आपकी लिमिट यूनिट सब सेट हो गई है, अब आपको वर्क स्टार्ट कर, कुछ भी करना आप काम स्टार्ट कर। बेसिक से माने तो सबसे पहले कमांड जो हम यूज करते हैं वो पॉइंट कमांड होती है, पॉइंट में आपको PO टैप करना पड़ेगा, PO लगाया एंटर कर दिया। अब मान लो गलती से आपने PO की जगह कोई गलत कमांड दे दी, उसको हटाना है तो एस्केप दबाओ,
कमांड को कैंसिल करता है स्केप, ठीक है, स्केप दबा दो कमांड कैंसिल हो जाएगी। और बैक स्पेस से भी कमांड हटा सकते हैं। वैसे मैंने पीओ लिखा, अब पॉइंट के कुछ चार मेथड होगा, तो पॉइंट में अप्रोक्सीमेट में तो कुछ ज्यादा नहीं है कि आपको कोई पॉइंट कहीं पे जरूरत पड़ती है तो पॉइंट देना होता है आपको, सिर्फ उसे क्लिक कर दिया पॉइंट लग जाता है, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट। लगभग कोई अनुमान से पॉइंट लगाना होता है, वो चीज होती है अप्रोक्सीमेट। अब उसके अलावा हमारे चार मेथड होते हैं, ये वाले कुछ मेथड होते हैं हमारे। पहले वाला था, हाँ, ये कुछ आपके चार मेथड। एक मेथड वो अप्रोक्सीमेट तो रैंडम देते हैं, दूसरा मेथड आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के अंदर आपको फिक्स कोऑर्डिनेट देने पड़ेंगे, ये इसका चार्ट है और इसके अकॉर्डिंग ये ड्रॉइंग बनी। उसके बाद जो हमारा मेथड चलेगा वो चलेगा रिलेटिव मेथड। चौथा मेथड होता है एंगल मेथड। जो एंगल जो चलता है ना वो एंगल रिलेटिव प्लस एंगल साथ चलता है, दोनों साथ चलता है, ठीक है। और जो इसमें एक बेसिक वो बताता हूँ कि रोटेशन चलता है ना केट के अंदर, वो चलता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखिए मैंने एक पॉइंट अप्रोक्सीमेट लगाया था, इसकी कोऑर्डिनेट पता नहीं, अगर आपको पता करने होते हैं तो उससे पहले तो इसकी स्टाइल बड़ी करनी पड़ेगी आपको। उसके लिए आपको पीटी कमांड लगानी पड़ेगी, इसको बोलते हैं पॉइंट टाइप। लगाया, यहां से पॉइंट लिया और ओके कर दिया। इस पॉइंट की कोई फिक्स लिमिट नहीं होती, स्केलिंग बराबर नहीं होती, इसकी इतनी साइज का पॉइंट बनना चाहिए। मैंने जूम आउट करा था मेरे को बहुत पसंद से, अब इतना बड़ा दिखने लग गया पॉइंट। आपको कुछ नहीं करना, आर ई कमांड लगानी है और इसको रीजनरेट करना बस। अब इसके आपको कोऑर्डिनेट पता करने हैं, आपके अप्रोक्सीमेट दे रखा है ना, तो एक कमांड होती है आईडी, जिसको बोलते हैं आइडेंटिफाई। आईडी मतलब आइडेंटिफाई, ये कमांड लगा देते हो। देखो कि अब मैं इसमें पॉइंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अभी पॉइंट ये स्नैप ले ही नहीं रहा, पॉइंट ले ही नहीं रहा, यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, इसको बोलते हैं नोड। नोड पॉइंट नहीं ले रहा हमारा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कमांड यूज करनी पड़ेगी ओ एस, तो बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप, एंटर कर दो। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करने हैं, अभी सारे पॉइंट चाहिए मेरे, ओके करो। अब मैं आईडी कमांड लगाता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट पता हो जाएंगे मेरे, देख लो ये कुछ, ये कोऑर्डिनेट इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे दिखा देगा कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये, आईडी कमांड से पता लगता है, ठीक है। अभी इसको मैं हटा रहा हूं, ये तो अप्रोक्सीमेट के अकॉर्डिंग। अब मेरे को सिर्फ पहले तो क्या करता हूँ, इस यूजर्स आइकन को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि आप में कभी सिलेक्शन बनाऊंगा तो ये दिक्कत करेगा। इस पे क्लिक करोगे तो ये पूरा हाईलाइट हो जाएगा। अब इसके ऊपर ही कर्सर रख के राइट क्लिक कर दो, ये आ रहा यूसेस आइकन सेटिंग स्टिक को हटा दो, यहाँ शिफ्ट हो गई यूसेस, यूसेस यहाँ शिफ्ट हुआ है, काम हमारा यहीं से स्टार्ट हो गई, ध्यान रख, ठीक है। अब पॉइंट लगाता हूँ, अब मेरे को फिक्स पॉइंट मेथड का यूज करना है, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा, मेरे को यहाँ पॉइंट चाहिए तो 0.0 एंटर, यहाँ पॉइंट लगेगा, अच्छा वो कोऑर्डिनेट की इसकी लिमिट थी स्क्रीन तो। अब देखिए कि यहां पर तो हम 0.0 दिए थे, अब सेकेंड पॉइंट देंगे तो अभी हम एक्स एक्सिस में चले, मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, वाई की वैल्यू 0 ही रही है। मैंने वापस पॉइंट लगा करके एक्स में दे दिए 50.0 एंटर, पॉइंट लग गया है, पर यहां पे लगा ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा 50 इंच, 50 है ना, 50 इंच है अभी। अब मेरे को इधर लगाना पॉइंट क्रॉस में, लगभग यहाँ पॉइंट लगाना चाहूंगा मैं, पॉइंट कमांड लगा करके अब की बार दोनों एक्सिस चलेंगे आपके,
50,15 यहाँ पे लग गया, और यहां दूंगा तो हो जाएगा 0,50, 0,50 एंटर यहाँ पर एंटर। अगर मान लो कि यही चीज में मान लो ये चारों पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट तो मान लेते हैं, ये दो पॉइंट में इधर देना चाहूँ तो क्या कोऑर्डिनेट वैल्यू होगी इसके अकॉर्डिंग बता दो मैं, ये आपको बताऊं जी, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। माइनस हाँ तो एक्स की वैल्यू -50 हो जाएगी हमारा, और वाई की वैल्यू 0 ही रहेगी, वैसे के बाद हमको टाइम पॉइंट लगा करके एक्स की वैल्यू -50,0 एंटर यहाँ लगाइए, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास, माइनस फिफ्टी जीरो माइनस -50 लगेगा, माइनस फिफ्टी माइनस माइनस फिफ्टी माइनस फिफ्टी माइनस फिफ्टी माइनस फिफ्टी गलत हो रहा, जीरो गलत है ऐसा, जीरो का फिर होगा एक्स 0 होगा, कोमा लगा के -50 हो तो यहाँ आ गया। सिंगल यहाँ पर देखो कि हमारा, देखो ये चीज देखो ना, इधर एक्स माइनस वाई पॉजिटिव है, -50 प्लस 50 हाँ -50 प्लस 50, -50 90 हाँ हाँ एक्स माइनस एक्स माइनस रहेगा वाई पॉजिटिव रहेगा, आप बताओ ये तो कोई नहीं लग गया इसमें वैसे, यहाँ पर भी चलेगा। अब यहाँ बता दो क्या कोऑर्डिनेट दे तुम्हें यहाँ पर, माइनस -50 प्लस 50 एक्स माइनस दे दे -50 तो भी गलत हो रहा है, पहले देखो आएगा -50 सही है एक्स की वैल्यू 0 ही है ना, वाई की वैल्यू 50 दूंगा। 50 यार और आने को नहीं है हाँ यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स माइनस और वाई पॉजिटिव रहेगा, वाई ऊपर ही चल रहा है ना, वाई नीचे कभी आ रहा है। अब यहाँ पे बताओ इधर कौन दूंगा, यहाँ पे नेगेटिव का 50 देन नहीं पहले पॉजिटिव 50 देन नेगेटिव सर वाई माइनस में आएगा और एक्स पॉजिटिव में आएगा, तो पीओ लगा करके 50 माइनस 50 50 पॉजिटिव का कोमा, हाँ -50 यहाँ लग जाए, और यहाँ पे दोनों माइनस रहेंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव थे यहाँ नेगेटिव रहेंगे दोनों चीज, -50 कोमा -40 यहाँ है, क्लियर है ये इसके अकॉर्डिंग है ना, जहाँ हम मेन पॉइंट मानते हैं वो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। एब्सोल्यूट मेथड में कोई प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि स्टार्टिंग है कुछ ना, बता देंगे वो तो। अब हम चलते हैं सेकंड मतलब थर्ड मेथड, रिलेटिव। रिलेटिव में खुद बता रहे कि आपको मन से क्लिक करना है, पहला पॉइंट तो मन से ही देना पड़ता है, अनुमान से कोई भी पॉइंट क्लिक कर, मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा तो ये हटा दू मैं, ये रहने दो, पॉइंट लगाया यहाँ क्लिक करा, अब वापस पॉइंट लगाता हूं। अब देखो रिलेटिव मेथड में आपको अभी मेरे को इस पॉइंट को ओरिजिन मानना चाहूंगा तो आपको शिफ्ट प्लस एट द रेट का यूज करना, शिफ्ट के साथ एट द रेट लगाएंगे, रिलेटिव में हर बार लगाना पड़ेगा, रिलेटिव में एक भी पॉइंट आपने गलत लगा दिया तो या तो पूरा वापस हटाओ, क्वेश्चन और बताऊंगा। हाँ देखो कि अब मेरे को एक्स में चलना, अब वापस सेम चीज है, एडर लगाने का सेम यही कोऑर्डिनेट दे दे रहा हूँ, हो जाएगा काम, एक्स दे देते 50 वाई दे देते 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अब यहां से अब इधर चलना है, थोड़ा आप यहाँ देखो, देखो यहाँ पर तो हमारा 0,0 मतलब वो 0,0 ही मानते इसको, इधर से इधर चले तो क्या था 50,0, अब यहां से 30 पॉइंट लगा, इसने 0,50 दे दिया, ये क्यों दिया, क्योंकि इसने इस पॉइंट को माना ओरिजिन अबकी बार, जो हमारा लास्ट पॉइंट लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पॉइंट लगेगा, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी हमारी 0,50, 0,50 नहीं मान लो गलती से मैंने लगा दिया यहाँ पॉइंट, यहाँ लग गया वो तो लग गया यहाँ पर, अब मैं या तो हटाऊ, एक चीज हम कर सकते हैं
यहां पर हम पॉइंट लगा करके एक अप्रोक्सीमेट पॉइंट इस पे वापस क्लिक कर सकते हैं इस पॉइंट पर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट लगेगा ना, अब इसके अकॉर्डिंग वापस लगेगा। अब दो पॉइंट लग गए, एक को हटा देते हम। अब मैं वापस, वो मैंने गलती करी थी तो उसको मैं यहाँ से ऑप्शन कर सकता हूँ ना, पॉइंट लगा कर। मैंने 3 मिनट ठीक है, अब इसको आप शिफ्ट ड्राइंग अब देखो शिफ्ट एट द रेट लगाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब एक्स दे दिए 0, y 50, एंटर, यहाँ आ जाएगा। अब इधर से बेक जाना है, अब वैल्यू क्या होगी? क्या होगा? -40 -50 आगे कॉमा 0। ये हाँ भाई 0 रहेगा। चलो अभी इसके सेंटर में कोऑर्डिनेट क्या रह जाएंगे आप बता दो, वो पीछे होगा क्या? सेंटर में कोऑर्डिनेट 0 कैसे रहे? पॉइंट मैथड चल रहा, रिलेटिव हमारा। सर माइनस एक्स एंगल देंगे, ट्वेंटी सर फाइव एंगल देंगे। एंगल की जरूरत नहीं है, पॉइंट लगा लो। देखो कि एक्स की वैल्यू इसमें होगी 25, प्लस का पॉजिटिव का 25 होगा, फिर कोमा और -25, ठीक क्यों इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चलना है ना, लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग यह पॉइंट बनेगा। अगर यहाँ दूं तो वापस सेम ही होगा, 0,25 प्लस का पॉजिटिव का 25 हो जाएगा, और यहाँ दूंगा तो सेम ही है, 0 मतलब 25,0। ये पॉइंट होता है रिलेटिव मेथड के अंदर, ठीक है? अगर नहीं है तो दूसरे वापस लौटा दूंगा, फिर से कोई दिक्कत है। तो ये हमारा मेथड था, वो था रिलेटिव। अब हमारा मेथड आएगा, वो आएगा हमारे पोलर और एंगल दोनों साथ चलते हैं ना, रिलेटिव प्लस एंगल मेथड। इसमें भी आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, कभी प्लस देना पड़ता है, कभी माइनस देना पड़ता है, कभी घटाना पड़ता है। देखो कि एक आपको बताता हूं, ये सब बराबर ही है ना, मैं हटा नहीं रहा सबको, 90-90 हो गए चारों मिलकर, बेसिक तो होते हैं। अब मैंने पॉइंट लगाया यहाँ पर, एक रैंडम पॉइंट देना है, वापस एंटर करना है। अब आपको शिफ्ट प्लस एट द रेट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है? अब वो पॉइंट का डिस्टेंस मेरा 50 रहेगा, शिफ्ट प्लस लेस देन एंगल के लिए लगाते हैं, शिफ्ट प्लस लेस देन। अगर आपको एकदम स्ट्रेटली लाइन यूज करनी, देखो कि हमारा पॉइंट यहाँ है, इधर चलना है तो हमारा एंगल क्या रहेगा? 0 डिग्री पर है, क्योंकि केड के अंदर हमारा इधर चलता है रोटेशन, यूं ऐसे नहीं चला सकते, ऐसे चला सकते। तो यहां पर एंगल हो जाएगा 0 एंटर, ठीक है? वापस कमांड लगाई, शिफ्ट प्लस एट द रेट लगाया, वापस डिस्टेंस 50 रहेगा आपका, शिफ्ट लेस देन एंगल कितना होगा आपकी बार? अब पॉइंट मेरे को यहाँ चाहिए ना, इधर इसके यहाँ चाहिए, स्ट्रेट चाहिए ना, 90 होगा, लिए हाँ, इसके रिलेशन 90 डिग्री एंटर। अब इधर से इधर चलना है, वापस पॉइंट कमांड, मतलब पॉइंट तो लगाना ही है, शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस 50, शिफ्ट लेस देन एंगल हो जाएगा 180, 180 होगा, 180 देना पड़ेगा ना, यहाँ लगेगा। क्लियर? देखा जी क्या? चलो
ठीक ठीक नहीं रखना है, ऐसे रखना चाहिए सही है। ठीक ठीक तो वैसे कोई नहीं, पहली क्लास में ठीक ठीक ही बहुत है। ठीक है, वैसे ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपको इसको पेन पे मिल जाएगी। तो इन चारों मेथड में कोई प्रॉब्लम कहीं पे आ रही है अभी भी, मतलब लग रहा है कि ये कैसे क्यों हुआ? वो वो इसलिए लगाते हैं कि हमने पॉइंट तो लगाया था, वो रैंडम लगाया, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग चलना है, पर उसके रिलेटिव में चलना है ना, तब आपको हम एक फंक्शन की यूज मतलब छोड़कर यूज करते हैं सिर्फ एट द रेट। तो उसके मतलब क्या होता है कि दो पॉइंट लगाए उसको मान लेगा ओरिजिन पर, मतलब मेन पॉइंट 0 0 होगा उसको मानते हैं ना, और उसके आगे जो भी पॉइंट देना है तो आपको कोऑर्डिनेट डिस्टेंस डालना पड़ेगा। जैसे एक्स में डालो तो एक्स डाल दो भाई, आपको नीचे 0 कर दो, इसके अकॉर्डिंग रिलेटिव में आपको सिर्फ एट द रेट लगाना कंपल्सरी है। अगर नहीं लगाया तो वो पॉइंट फिर वो मेन पॉइंट के अकॉर्डिंग ले लेगा, जो हमारा एब्सोल्यूट मेथड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। और एंगल लेना होगा तो फिर आपको सिर्फ एट द रेट का भी यूज करना पड़ेगा। रिलेटिव में एंड दिस एक पॉइंट आपने कहीं पे दे दो, यहाँ क्लिक कर दिया, वापस पॉइंट कमांड लगानी पड़ेगी, शिफ्ट एड्रेस लगाना पड़ेगा। हाँ, नो एंड पॉइंट लगाओगे उसके बाद एड्रेस लगाओगे तो आपको वापस दो कोऑर्डिनेट के कॉलम मिल जाएंगे, पहले एक्स का फिर वाई का। ठीक है, तो यहां पर मैंने मान लो डिस्टेंस दे दिया 100 अगली बार, अब कोमा कर दो, 0 कर दो, एंटर कर दो, मतलब अब इसको इसने 0 मान के जैसे इस पॉइंट लगाएगा, वो होता है रिलेटिव मेथड। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आप आगे इससे भी आगे लगाना चाहते हो वो इसको 0 मानेगा, सिर्फ एड्रेस लगा दोगे तो इसको 0 मान के करेगा, तो ठीक नहीं नहीं लगाएंगे तो यहां से चलेगा, वो फिर यहां से करने लग जाओगे। ठीक है, और एंगल में भी सेम है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग घुमाओ तो इधर से घूमेगा फिर, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग घुमाओ तो इधर से घूमेगा फिर, और यहां से घुमाओगे तो फिर इधर घूम के इधर है। वैसे मैं देखूं कि अगर नीचे मेरे को पॉइंट देना होता तो -90 भी दे सकता, उसके लिए क्लॉक वाइज चलाने के लिए -90 फिर -180 -270 ऐसे भी दे सकता हूँ, बट हमको इतना नहीं कंफ्यूजन होना है, हमको प्लस में चलना है, बाद में माइनस जरूरत पड़ेगी माइनस भी कर सकते। ठीक है, क्लियर। अब इन पॉइंटों को अगर आपको एक शेप देना चाहते हो, स्क्वायर शेप देना है, तो एक कमांड होती है एल एंटर, लाइन कमांड। लाइन कमांड लगाओ आप, फिर आप पॉइंट देते जाओ, यहाँ क्लिक करो, फिर यहाँ क्लिक करो, यहाँ देते हो, यहाँ देखे इसको मैं यहाँ मिला भी सकूँ, या फिर आप इसके अंदर कमांड देता था क्लोज ऑप्शन, इसके अपने इसको सी दबा के एंटर कर दो, बस क्लोज हो जाएगा ओवरऑल। और अगर आप मिला के फिर एंटर करो तो कमांड से बाहर बाद में आएंगे, वो कमांड चलती रही। अभी मैंने जो कमांड यूज कर रहा हूँ वही कमांड वापस मेरे को रिपीट करनी है, स्पेस दबा दो या एंटर दबा दो, वापस सेम कमांड रिपीट होगी, प्रीवियस कमांड। ठीक है, ये सारी कमांड वो मेल पे मिलेगी। अभी आपको जो जितना मैंने आज पढ़ाया ना उसका नोट आपको हाथ में, कुछ कीज होती है जो मैं नोट पैड में मतलब नहीं लिख पाता हूँ, तो आप कॉपी लाते हो, आपको समझ आ रहा है कि वो लिखनी जरूरी है तो लिख सकते हो। ठीक, ओके, क्लियर। तो ये तो था हमारा एक मेथड था नॉर्मल। ठीक है, ये मैं आपको मेल भेज दूंगा, कोई फंसे को पीछे नहीं रखेंगे। ठीक है, अब लाइन के अंदर भी दो मेथड चलते हैं, लाइन दो ही चलेंगे, अप्रोक्सीमेट तो वैसे होता ही नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट देना होता है। लाइन कमांड के लिए आपको एल दबा दो, एंटर कर दो, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करो, क्लिक करा, लाइन जो चलती है वो रिलेटिव मेथड के अकॉर्डिंग ही चलती है, उसमें जरूरत नहीं है आपको कि आपको कुछ कीज वगैरह एड्रेस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैंने कोऑर्डिनेट दे दिए 15, 0 एंटर, तो ये ऑटोमेटिक इस लाइन को यहाँ पे ले लेगा, 15 डिस्टेंस लेकर ऑटोमेटिक।
अब इस लाइन को आपको एंगल के अकॉर्डिंग यूज करना है। कुछ आपको पता है कुछ शेप्स होते हैं पॉलीगोनल के, जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेक्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, कुछ होते हैं उनमें कुछ एंगल्स भी होते हैं। होते हैं, ट्राइंगल का इनर एंगल तो होता है 180, आउटर एंगल मिलकर कितने होते हैं? ट्राइंगल का ऐसे होते हैं, कल बताया था आपको पूरा फ्यूचर में 180। तीनों जो भी साइड होती है मतलब कोण बनते हैं उनका 80 180 होता है ना, तो एक का तो होता है 60। एक स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180, 180 में 60 निकाल दे पीछे कितना रहता है? 120 को 3 बार काउंट करें मतलब जोड़े हैं या तो ये तीन से मल्टीप्लाई कर दे, तो सर्कल का वैसे ओवरऑल एंगल 360 होता है। तो अगर मान लो मेरे को यहाँ पर ट्राइंगल शेप बनाना है, तो मैं आपको देखो यहाँ पर 15 का डिस्टेंस हो लाइन की लेंथ ले ली, अब सिर्फ लेस देन लगा करके अब यहाँ पे एंगल दे दूंगा 120 ऑटोमेटिकली, तो लाइन वो 120 के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी एंगल पे 120 और एंटर, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई। और वो इसको सी एंटर कर दो क्लोज, ठीक है। अगर आपको इसका एंगल खुद को देखना है कि लगभग कैसे क्या है, तो कमांड होती है MEA, मेजर ज्योमेट्री। तो आपको एक MEA कमांड यूज करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं मेजर ज्योमेट्री। इसमें आपको अंदर वाला एंगल बता देंगे तीनों ऑटोमेटिकली शो करेंगे ना, बस कर्सर को मूव करना है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ कर्सर मूव करोगे ऑटोमेटिकली डिस्टेंस वगैरह सब बता। डिस्टेंस बता रहा 15 है, उधर वाली 15 ही रहेगी, अंदर वाला एंगल बता देगा तीनों, ठीक है। अब मान लो स्क्वेयर का तो हम बना सकते हैं, अभी सेम वही मेथड है जो मैंने अभी रिलेटिव मेथड यूज करा था ना, पॉइंट के अकॉर्डिंग वही है। अब मेरे को मान लो पेंटागन होता है, उसका एंगल क्या होता है? आउटर एंगल बताना, इनर एंगल नहीं, आउटर एंगल पेंटागन। थोड़ा सा यूज करें ना, 360 को हम 5 से डिवाइड से करें ऑटोमेटिक एंगल बता देगा, 72 डिग्री आएगा। इतना सब इतना तो अभी इतना सोचोगे, इस मोबाइल सबको पास नहीं है, इससे भी कर सको बच्चों को बता रहा हूँ। म्यूजिक प्लेयर होंगे साथ में, ले 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 तो ये देखिए, ये सब इनर एंगल है ना, आउटर एंगल 180 से माइनस करना पड़ेगा ऑटोमेटिक। जैसे इसने ट्राइंगल का जो दे रखा है ना, वो दे रखा 7 अंदर वाला, 60 अंदर वाला, आउटर तो 120 है, स्क्वायर का 90 होगा, फिर स्ट्रेट लाइन चलती है, पेंटागन का अंदर दे 12 होगा 72, हेक्सागन होगा 60 डिग्री, और हेप्टागन का होता है 51.42 कुछ आता है, अभी इसमें कोई अलग दे रखा है बता नहीं रहा, 42 कुछ आता है, 51 आएगा इसमें अलग दे रखा है। तो ऑटोमेटिक काउंट कर हम डिवाइडेशन करते हैं ना 360 को 7 से, तो 51 या 52 के समथिंग कुछ आता है ऐसे ही। और ऑक्टागन का आएगा 45 आउटर एंगल, और नोनागन का आएगा 1 सॉरी नोनागन का आएगा 40 आएगा, और डेकागन का आएगा 36। ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए, कम से कम 10 साइड तो पता ही होने चाहिए, बाकी तो ज्यादा तो नहीं कर रहे थे तो स्टार्टिंग में कुछ है ना। तो मान लो कि मैं यहाँ पर अगर पेंटागन बनाऊं लाइन मेथड से, एक पॉइंट दिया, एक लाइन का स्टार्ट पॉइंट तो आपको देना ही है, शिफ्ट प्लस एट द रेट लगाने की जरूरत हो तो लगा दो, अगर आपको लग रहा है कि इस मेथड से जल्दी कर दूं तो लगा दो। डिस्टेंस मैंने 15 का दिया, शिफ्ट लेस देन 0 एंगल, स्टार्टिंग एंगल 0 रहेगा। अब देखो कि आगे चलना है तो डिस्टेंस डाल दो 15, शिफ्ट लेस देन 72 ये आ जाएगा।
वापस वही सेम मेथड, 15 डिस्टेंस लेस देन, अब एंगल होगा 144। क्यों हो रहा है कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग घुमाएंगे तो 72 तो इधर ही आ जाएगा, दोनों काउंट होके इधर आना चाहिए, तो हमारे यहाँ आ जाएगा 144 एंटर। वापस 15 डिस्टेंस शिफ्ट लेस देन, अब 144 प्लस 72 बताता है 216। और लास्ट वाला कोऑर्डिनेट या तो निकाल लो या फिर सी एंटर क्लोज कर दो, ऑटोमेटिक ये सेम बना और पेंट करो। इसमें तो दूरी सेम किया, दूरी सेम नहीं हो पाता लेंथ। हाँ तो वो चेंज कर दो, तो वो सेम वो एंगल बराबर बैठेगा नहीं, एंगल बराबर बैठेगा नहीं, फिर एंगल नहीं बैठेगा ऐसे। हम सम तरीके बना सकता हूँ, एक लाइन स्ट्रेट दे दू, एक तो क्रॉस लाइन दे दू, बस वो भी होता है। तो एकदम कुछ सेफ होते हैं ना जो काम आते हैं वो बता, ठीक है, मतलब कुछ इनका यूज कैसे करते हैं समझा रहा हूँ। मेरे को बताना है कमांड कैसे आपको यूज करनी आनी चाहिए, अगर तो तुम ड्रॉइंग लेंगे तो उसमें कैसे यूज करोगे वो चीज हो, ठीक है। इसी तरह हेक्सागोन बन जाएगा, हेप्टागन वगैरह सब बन जाएंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, ये अलग अलग लाइन से बना हुआ है, इससे भी थोड़ा हम फास्ट वर्क करना चाहें जो सिंगल ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करे, तो एक और लाइन होती है, इसको बोलते हैं पी एल पॉली लाइन। पी एल पॉली लाइन होती है, पॉली लाइन लेंगे और इसके बाद आपको स्टार्ट पॉइंट देना है, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। ये भी सेम उसी के अकॉर्डिंग चलेगी जैसे आपकी लाइन चल रही है, बट ये जो सेव बनाएगी एक सिंगल एंटिटी बनाएगी, पूरे एक ऑब्जेक्ट एक ही क्लिक में सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब जॉइन ऑब्जेक्ट बनाएगी। अब इसमें मैं मान लो कि ये मेथड वगैरह यूज नहीं कर रहा, इसमें मैं यूज करूंगा ऑर्थो मोड, जो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के लिए ही आपको वो सजेशन है और कुछ नहीं है। तो आप F8 दबा दो स्ट्रेट लाइन के लिए, या तो आपका चलेगी वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लाइनें चलती हैं, ऐसे चलेगी वर्टिकल ऐसे चलेगी हॉरिजॉन्टल। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 100, इधर मैंने लिख दिया 50, इधर वापस 100 और सी एंटर क्लोज, सेम मेथड। ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये हमारा सिंगल क्लिक में पूरा सेलेक्ट हो, और ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये अलग अलग क्लिक से होगा सेलेक्ट। इसको कैसे ज्वाइन करना है? इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से बना सकते हैं और इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको आपको ज्वाइन करना है तो आपको जे कमांड का यूज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ज्वाइन। देखो जे कमांड का भी एक रीजन होता है, मैंने इसको और इसको सेलेक्ट करूंगा तो ज्वाइन नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि इसके एंड पॉइंट से अटैच होनी चाहिए लाइन। अब इसको इसको करूंगा ये तो ज्वाइन हो जाएगी, ये नहीं होगी। अब ये चारों हो जाएगी, अब चारों सेलेक्ट की एंटर कर दिया, ये चारों लाइनें सिंगल क्लिक में सेलेक्ट हो गई, अभी ये अलग है। तो इन सबको सिलेक्शन ऐसे बना लो, इसको बोलते हैं क्रॉस सिलेक्शन। तो क्रॉस सिलेक्शन और विंडो सिलेक्शन में डिफरेंट क्या होता है कि आप नॉर्मल सा अगर आप राइट से लेफ्ट चलते हो इतना सा भी सिलेक्शन बना लेते हो, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर आना चाहिए, वो आपका ऑब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट कर लेगा। विंडो में क्या होता है कि मैं इधर से इतना ले रहा हूं तो भी सिलेक्शन नहीं लगा, देखो विंडो में पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर आना चाहिए पूरा का पूरा। ना सिलेक्शन का बस डायरेक्शन हाँ चेंज होने पे चेंज हुआ। हाँ इसको बोलते हैं विंडो, जो लेफ्ट टू राइट चलता है और क्रॉस वाला चलता है राइट टू लेफ्ट, दोनों का कलर में डिफरेंट है, ये होता है ग्रीन कलर का, ये होता है ब्लू कलर। पूरे को सेलेक्ट किया, जे कमांड लगा दी और एंटर कर दिया, ये पूरा हो गया आपका सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल एंटिटी हो गई आपकी। अब इसको मैं कहीं दूसरी जगह प्लेस करूंगा तो पूरा एक साथ चलेगा। और अगर मान लो कि आपने आपको ज्वाइन ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए था, आपने ज्वाइन कर दिया, तो उसको वापस अलग करने के लिए आपको कमांड लगानी पड़ेगी एक्सप्लोर, उसके लिए की है एक्स, ओनली एक्स दबा के एंटर कर दोगे
एक्स दबाया, सेलेक्ट करा, एंटर कर दिया वापस अलग अलग हुई लाइनों में, ठीक है? क्लियर? देर हुआ। इससे भी आपको फास्टली वर्क करना चाहो तो एक कमांड हो रहा है। सर, ये पॉलीलाइन से जो बनाया ना, इस पे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं मेजरमेंट से? अच्छा, इसकी की भी होती है और हम इसे निकाल भी सकते हैं। की आएगी, एरिया निकालने की होती है, एरिया निकालने की, एंगल निकालने की, सब की आएगी हमें, ठीक है? ये मैंने मान लो, उसको मेजर सर, उसमें हाँ नीचे जैसे एंगल का तो वो शेप आ जाता है, हाँ लाइन का मेजरमेंट भी अगर हमको उसमें शो करना है, नहीं लाइन का सिर्फ जैसे लाइन है इस लाइन का ही करना है ना, देख उसकी की आएगी। वैसे अगर आपको डी आई सी सिर्फ इसको देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, सकते हैं ये चीज को। शो करवानी उसकी की भी है, उसकी की है ना, वो डायमेंशन का कोर टॉपिक है, वो उसमें सारी कीज होगी, ठीक है? समथिंग समथिंग 25 कीज होगी सारी, तो उसके अकॉर्डिंग वो सारा टॉपिक चलेगा ना हमारा। अभी सिर्फ हमको सब बनाना सीखना है। तो अब देखो कि ये मैंने बनाया शेप, रेक्टेंगल शेप ही है तरह का, ये मैंने पीएल लाइन से बनाया था। अब इससे भी आपको पार्टली वर्क करना चाहो तो कमांड होती है REC, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की होती है, इसमें आपको लगाया, इसमें आपको सिर्फ दो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मतलब फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। अगर आपको मन से ही कुछ बनाना फर्स्ट पॉइंट, तो अदर पॉइंट दे दो, रैंडम बन जाएगा। एक मैन्युअली है तो इसका कोई फिक्स मेजरमेंट पता नहीं है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, मेरे को नहीं पता। पर रैंडम वर्क का कोई जरूरत नहीं है, हटा देता हूँ। फिक्स मेजरमेंट से बनाना है तो REC फर्स्ट पॉइंट। अब आपको इसमें भी यूज होगा सिर्फ एट द रेट, इसमें आपका मेजर जो मेजरमेंट काम आएगा रिलेटिव मेथड से चलेगा। इसमें आपको लेंथ और विड्थ दो ही देनी पड़ेगी, ठीक है? सिर्फ एट द रेट पहले जो आएगी हमारी एक्स लेंथ आएगी, एक्स एक्सिस की वैल्यू मान लो मैंने दे दी 100, फिर आपको लगाना कोमा। अब आपको वाई एक्सिस की वैल्यू जो वेट होती है वो मैंने दे दी 50, और एंटर। ये तो इसलिए क्योंकि हाँ इसमें एक्स एक्सिस दोनों बराबर होते हैं और वाई भी दोनों बराबर होते हैं। हाँ पेंटागन बनाना आपको, क्योंकि पेंटागन के लिए भी सेफ कॉपी हो गया है, छुट्टी भी की है। हाँ उसमें तो या ऐसा कुछ जिसका एक साइड इक्वल ना हो, जैसे यहाँ तो दोनों साइड इक्वल। तो उसका की है ना आगे, जैसे ट्रायंगल सेफ सबकी की होगी आपके आगे, और जैसे सर्कल की भी की है, और वैसे इलिप्स सेफ इलिप्स की भी की होगी आप। तो जैसे सेफ आते हैं ना तो हम तो बनाने पड़ते हैं, ठीक है? तो बता देंगे। तो रेक्टेंगल सेफ का पता चला ना, पर रेक्टेंगल सेप हर जगह रिलेटिव मेथड वाला मेथड काम नहीं आएगा। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो मैं यहाँ से रेक्टेंगल बनाना स्टार्ट करूँ, फर्स्ट पॉइंट याद दूँ, पर मेरे को इसके अंदर चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपको REC लगा करके फर्स्ट पॉइंट याद दे दिया, मतलब ये आपको स्नैप कर रहा है, ये इसका क्या परपेंडिकुलर पॉइंट है, यहाँ क्लिक करा। अब मान लो कि अगर मेरे को पता है एक्स नेगेटिव वगैरह पता होता है, तो फिर आप सिर्फ एडर का यूज करो और मेरे वो आपको कोऑर्डिनेट डाल दो। अगर पता नहीं है तो फिर अंदर आता है डायमेंशन, बी प्रेस करो बस, बी प्रेस करा। अब पहले लेंथ डाल दी मैंने मान लो 25, अब आपको कॉमा नहीं लगाना, एंटर करना है। अब विड्थ डालनी है, वो भी 25 डालनी, बनेगा स्क्वायर बन जाएगा, बट बता रहा हूँ कि इसी से चलती है, स्क्वायर बन जाएगा, एंटर कर दो। अब आपको ये पूछेगा सेकेंड पॉइंट, आप इसको किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अभी अंदर चाहिए, अंदर अंदर लेके क्लिक कर दो, ये बन गया आपका सेट, ठीक है? अब मेरे को इसके जैसे ही सेप इसके अंदर सारे में इसके अंदर सब चाहिए, कितना होगा ये हमारा 100 डिस्टेंस, चार सेप आएंगे इसके अंदर। सर। ये तो इसके ऊपर एक और बना है, क्योंकि ये इसका मेजरमेंट अलग है, इसके लाइन से अलग है, वो दो लाइन के ऊपर ये दो लाइन आए हुए, कट ही करना है तो। हाँ कट क्या करना है, इसको काटना, अब इसको तो ट्रिम कमांड का ही होगा। अब ये देखो ट्रिम कमांड का यूज भी कर दूंगा तो भी यहाँ पर वो लाइनें दो रह जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लाइन रहेगी, यहाँ पर वो हटेगी नहीं। क्योंकि ये तो बन गया है, अब हाँ जैसे रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल है। हटाना है ना, टीआर टीआर की लगाई,
और वो दो लाइंस भी ऐड वो लाइन है अभी उसको उसके हटाने, साथ तो हाँ ऐड उसके साथ नीचे वो दबी हुई है, वो हटाने ले रखी है। ठीक है, अगर मान लो कि इस तरीके से नहीं हटाता हूँ, अगर इसको पूरे को डिलीट कर दूं मैं, तो सब गई, तो सभी गई। बट मेरे को अभी इसको इसको रखना है, इसके अंदर ही मेरे को 4 वर्ड और प्लेस करने, या तो फिर वापस में भरना हूँ सारा प्रोसेस करूँ, नहीं तो कमांड लगा दो CO, कॉपी कमांड लगाई, एंटर कर दिया। कॉपी में मोड होता है मल्टीपल, कि कॉपी बहुत सारी कर देगा, जरूरी नहीं आपके एक ही चाहिए, कितनी भी कॉपी करो उतनी कर सकता है। सेलेक्ट किया, एंटर कर दो, और यहाँ से बेस पॉइंट मैंने यहाँ से उठाना चाहता हूँ, यहाँ से उठाऊंगा तो यहाँ प्लेस सीधा कर सकता हूँ। ठीक है, और मान लो कि मैंने सेंटर से उठाया, फिर अब मैंने मान लो यहाँ से उठाता हूँ, अब कैसे हूँ? तो अब आपको इसका मेजरमेंट पता होना चाहिए, क्या है 25 25 का स्क्वायर शेप है। अगर मेरे को जैसे इसके पास इधर चाहिए, तो अब मेरे का मेजरमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? सर 25 50, 50 नहीं, सॉरी सॉरी, 50 नहीं होगा, 25 ही होगा, यहाँ पे लाएंगे 25 ही होगा। देख तो सर वो उस पॉइंट पर वही छोड़ेगा। ये हाँ चीज है सर ना, 25 ही होगा इसके सेंटर से, इसके सेंटर के बीच में जो गैप है ना, वो 25 ही है, वो उसको ये मानेगा। अब क्या होता है ना, इस चीज को मैं सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और ये बेस नोट ले लेता हूँ ना, तो फिर आपको अलग गेम देना, तब आपको डिस्टेंस अलग देना। अब या तो फिर यहाँ पॉइंट दू तो अकेडमिक बनेगा, या फिर मैं लिखूं 50 लिखना पड़ेगा होगा, कि 25 तो ये हो गया इसका डिस्टेंस, 25 इसका 50 हो गया। ठीक बीच है, वाले पॉइंट चले गए तो 25 और उधर कॉर्नर हाँ कॉर्नर 50। हाँ जरूरी नहीं है, तो मेरा सेफ ये था, मैंने इस पॉइंट से उठा लेता, वो चीज थी जरूर, ये भी नहीं है। अब यही सेफ फोन आप इधर से उठा लो, तो आपको 25 ही देना पड़ेगा फिर भी। ठीक है, फिर भी 25 ही काउंट होगा, यहाँ 25 दे दिया और आगे वाला 50 पे होगा, क्योंकि बेस हमारा ये वाला है, इसलिए हो गया। और चारों को साथ सेलेक्ट कर लो, वापस सारों को साथ में कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ से उठा करके यहाँ प्ले। ठीक है, क्लियर? तो ये कुछ कीज हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको असाइनमेंट भेज रहा हूँ मैं, और नोट्स भी आ जाएंगे मेरे को ना, तो इनकी प्रैक्टिस कर लो। अब आपका क्लास का टाइम सेटअप करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा सेटअप हो गए हैं, तो नेक्स्ट डे मेरे पास बैच आएगा, तो उसके बाद यहाँ पर सेट कर बता दूंगा मैं ना।